टाटा नेक्सॉन XM-S XM मॉडल विथ सनरूफ एक और मॉडिफिकेशन देख रहे हैं चैनल के ऊपर। ये मॉन्स्टर एडिशन नहीं है बट विथ ऑल द नेसेसरी एसेंशियल विथ द लग्जरी लुक। इसके और को हमने मॉडिफाई किया हुआ है 10 सिंपल आइटम्स के साथ, जो 10 चीज़ें इसके अंदर हमने लगाई हैं। रिकमेंडेड फॉर द टाटा नेक्सॉन, जो सिंपल सोबर एंड मस्क्यूलर वे में आपकी गाड़ी को मॉडिफाई करती है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं द रेड कलर एक्सक्लूसिव सीट कवर्स जो टॉप गियर के अंदर इसके अंदर हमने लगाए हुए हैं। इन सीट कवर्स की फिटमेंट क्वालिटी खाली हम देख सकते हैं। सो फर्स्ट हमारी जो है सीट कवर्स हैं जो टॉप गियर ब्रांड के आते हैं, ये लोगो है कंपनी का। अभी टॉप गियर हम क्यों इतना बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो फिटमेंट्स हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कैन जस्ट सी द फिटमेंट क्वालिटी ऑफ द सीट कवर्स एंड स्पेशली ये रेड कार है, इसमें वाइट बॉर्डरिंग कंपनी देती है बाहर और ब्लैक इसका ओरिजिनल इंटीरियर आता है। थोड़ा लाउड बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि गाड़ी का कलर जब रेड है तो उस पर अच्छा दिखता है, बाकी तो ब्लैक 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 पूरा अंदर दिया हुआ ही है। तो ये रेड कलर की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेड। जस्ट सी द फिटमेंट क्वालिटी ऑफ द सीट कवर। इन सीट कवर्स को हमने फ्लोर मैट्स के साथ मैच किया हुआ है जो टॉप गियर ब्रांड की है। ये मैट्स भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें ये रेड टेक्सचर आपको थोड़ा सा दिखेगा। द हनीकॉम मैट्स डिजाइंड बाय टॉप गियर, कोई रबड़ कोई ग्रास कोई बकेट नहीं है बट इट्स अ हनीकॉम स्ट्रक्चर, एक नेट स्ट्रक्चर इसके अंदर हमको मिल जाता है। एक सीट एक मैट और एक स्टेयरिंग को भी हमने रैप किया हुआ है इन द ब्लैक एंड रेड टोनिंग। किस तरीके से ये स्टेयरिंग को डुअल टोनिंग में हमने रैप किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। 2500 रुपीज़ का पड़ता है स्टेयरिंग का जो रैप है, 2000 रुपीज़ का पड़ता है जो आर्मरेस्ट इसके अंदर हमने लगाया है। XM-S में सनरूफ है बट आर्मरेस्ट नहीं है, सनरूफ है बट फॉग लाइट नहीं है। सो टॉप मॉडल में जो फील वाला आर्मरेस्ट है वही हमने लगाया हुआ है विद द परफोरेशन के साथ है। मैट्स हमने लगाई हुई है टॉप गियर की हनीकॉम वाली जो 3000 रुपये के रेंज की पड़ती है। ये गाड़ी का जो हमने इंटीरियर देखा है, वन सीट कवर, सेकेंड फ्लोर मैट, थर्ड आर्मरेस्ट, फोर्थ स्टेयरिंग, ये चार चीज़ें जो अंदर हमने लगाई है कितने ब्यूटीफुल तरीके से गाड़ी का लुक एनहांस करती है आप लोग ने देख लिया है। एंड फाइव आइटम्स बाहर की तरफ जो हमने लगाई हुई है, फर्स्ट इज़ द पियानो ब्लैक किट। एक रेड कार पे ब्लैक का थीम ऑलरेडी हमेशा ही उठ के आता है। सो दोनों हेडलाइट्स जो हैं ब्लैक बॉर्डर में कोटेड है, ये ऑलरेडी ब्लैक कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है बट खाली एक हेडलाइट का ब्लैक कर देने से ये स्टार्ट टू एंड जो ब्लैक का थीम है हमारा कंटिन्यू होता है। सो वन इज़ द पियानो ब्लैक थीम, सेकेंड इज़ द GT लाइन डिफ्यूज़र, जो आगे हमारा रेगुलर बम्पर था उसको एक स्किड प्लेट का कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है जो टॉप मॉडल में विथ 1, 2 एंड 3 ब्लॉक्स, एक स्पोर्ट्स बैजिंग के साथ, एक GT बैजिंग के साथ, जो GT लाइन डिफ्यूज़र विद द पियानो ब्लैक सिल्वर एंड रेड कलर वर्चुअल टोइंग कैप्स के साथ ही आते हैं। आगे एंड पीछे का सेट हमने लगाया हुआ है, इसके पीछे का लुक भी देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल। एंड फोर वर्चुअल एग्जॉस्ट के साथ हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक के अंदर ये आता है, जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 वर्चुअल एग्जॉस्ट भी। सो एक डिफ्यूज़र, सेकेंड पियानो ब्लैक थीम, थर्ड डोर वाइजर जो बारिश में हमारे पानी अंदर नहीं आते हैं, ब्लैक विथ अ क्रोमियम लाइनिंग, फोर्थ हमारे व्हील कैप्स चारों टायर के रिप्लेस करके व्हील कैप हमने लगाए हुए हैं जिनका लुक एक अलॉय व्हील के जैसा है। सो दिस वॉज द बिफोर कैप जो हमारा लग के आता है कंपनी से, उसको रिप्लेस करके ये व्हील कैप हमने लगाए हैं जो किया सेल्टॉस की टॉप मॉडल के अलॉय का लुक है, वो लुक इस व्हील कैप में है जिनकी कीमत 3500 रुपये है चारों टायर की, बट ये व्हील कैप है जो दिख रहे हैं अलॉय व्हील से भी बढ़िया, इनका लुक हम लोग देख सकते हैं। सो एक हमारा डिफ्यूज़र, सेकेंड द पियानो ब्लैक कॉन्सेप्ट ऑन द हेड लाइट, द टेल लाइट, हैंडल्स जो दरवाज़ा हम खोलते हैं, मिरर्स जो हमारे रेगुलर मैट ब्लैक आते हैं, एंड फाइनली क्रोमिंग का थोड़ा सा वर्क हमने किया हुआ है नीचे की तरफ, द डोर एज प्रोटेक्शन एंड फॉग लैम्प्स ये गाड़ी में नहीं लग के आती हैं, फॉग लैम्प्स हमने लगाई हैं जो वाइट एंड येल्लो डुअल मोड के साथ है, जिसके अंदर वाइट लाइट भी है, इसको ऑफ एंड ऑन आप करेंगे तो येलो लाइट का कॉन्सेप्ट भी है जो फॉग में इफेक्टिव है।
सो ये 10 चीज़ें हमारी 5 अंदर और 5 बाहर, एक टच स्क्रीन प्लेयर द मोस्ट नेसेसरी, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम गाड़ी भी है, गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है, नेट प्ले ब्रांड का जो 2GB रैम 16GB मेमोरी के साथ है, कैनवस कंट्रोल्स, ईच एंड एवरीथिंग वर्किंग है, दरवाजे 2 खुले हैं आगे के, उनके ये इंडिकेशंस आप देख सकते हैं, एसी के जितने भी कंट्रोल्स हैं, वॉल्यूम के जितने भी कंट्रोल्स हैं, कैनवस मतलब ये जो कंट्रोल है, एक ही वॉल्यूम 3 जगह से कंट्रोल होती है, यहाँ से भी होती है, टच से भी होती है, बटन से भी होती है, तो उन तीनों को सिंक करने की जो वायरिंग आती है दैट इज़ द कैनवस। रिवर्स कैमरा ब्लॉपंग ब्रांड का हमने लगाया हुआ है, द डोम कैमरा, द सीसीटीवी लुक किस तरीके से उसकी क्लैरिटी है वो भी हम देखेंगे। स्पीकर्स कंपनी के ही अच्छे बचते हैं, हर्ट्स के आप अगर चेंज करते हैं तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बट अगर स्पीकर नहीं भी चेंज करने तो भी कोई बात नहीं, कंपनी के भी अच्छे बचते हैं, बट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 2 स्पीकर आगे के लगाइए क्योंकि उसमें इफेक्ट आपको पड़ी। ब्लॉपंग का डोम कैमरा, द सीसीटीवी लुक, जो डोम है एंड इसकी माउंटिंग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम की हुई है। सो रिवर्स कैमरा, टच स्क्रीन अपग्रेड, इंटीरियर अपग्रेड, लाइट्स अपग्रेड, द एक्सटीरियर लुक, बट आज का जो खाली वीडियो है, स्पेशली जो सीट कवर ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हुए हैं, देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से आगे के रो एंड पीछे के रो की भी फिटमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। सो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉडिफिकेशन का कैसा आप लोग को लग रहा है। सो नेक्सॉन मॉडिफाइड विद द 10 नेसेसरी एंड द एक्सक्लूसिव आइटम्स, जो आज के वीडियो का हमारा टाइटल है, आज हम लोग ने देखा हुआ है। लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है गाड़ी, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ड्राइव सेफली, थैंक यू। सो प्रणय जी भी है हमारे साथ, ओनर ऑफ द कार, जिनकी ये गाड़ी को हमने मॉडिफाई किया हुआ है सिंपल सोबर वे में हमने, बट हर वो चीज़ें जो हमारे मॉन्स्टर एडिशन में आपको दिखती है, हर चीज़ हमने कोशिश की है कवर करने की। बजट इसके अंदर हमने सेट किया हुआ है कि बजट मॉडिफिकेशन कंप्लीट कार की हमने की है। सो हम वेलकम करते हैं सर का शॉप पे, एंड मम्मी है उनकी, उनका भी वेलकम करते हैं। कैसी लग रही है सर गाड़ी, एंड दो लाइन क्या बोलेंगे देखने वाले? काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। आज सुबह ही कॉल किया था मैंने रोहित भाई को, एंड सीधा नेक्सॉन के टाटा के शोरूम से सीधा लाके उनके इसके शॉप के सामने खड़ी कर दी, चाबी उनको दे दी। मैंने बोला कि एकदम प्यारी दिखनी चाहिए गाड़ी, और उन्होंने वो बात सुनी और काफ़ी अच्छा मुझे बजट में काफ़ी अच्छा और प्यारा लुक दिया है गाड़ी को, एंड जितनी भी चीज़ें लगाई है सारी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है। क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है किसी चीज़ में भी। 70 के बजट में पूरी गाड़ी हमने, हाँ 70 के बजट में पूरी गाड़ी बहुत शानदार तरीके से, थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं। ओके सर, वेरी हैप्पी विद द वर्क एंड एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। मॉम के लिए ली हुई है साई ऑटो गाड़ी, कैसी लग रही है आंटी? बहुत बहुत ही प्यारी लग रही है। एक्चुअली प्रणय आपको काफ़ी महीनों से फॉलो कर रहे थे, तो आई थिंक प्रणय का ड्रीम कम ट्रू हो गया है आज। हमने भी कोशिश की है कि आप गाड़ी चलाएं तो अच्छा एक एक्सपीरियंस। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, या थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग देख सकते हैं, एंड सर पायलट भी है, तो हम उनपे भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने वाले हैं, फ्लाई करने वाले हैं सुन। सो लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है, लाइक वगैरह करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।